एकलव सीरीज पार्ट टू, करेक्ट? टॉपिक का नाम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन किया था। ए कब होगा, बी कब होगा, सी कब होगा और डी कब। ए और बी अगर दोनों आंसर सही है, दोनों ऑप्शंस आपके सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर क्या होगा? हाँ जी, ए। बी भी आपको याद होना चाहिए, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सी इज assertion is true and reason is false and both the assertion and reason is a false, then answer is D। तो ये बात को याद में रखते हुए एक एक सवाल पे हम पॉइंट आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, assertion। assertion है द टू किंगडम क्लासिफिकेशन, द टू किंगडम classification that had been used for a long time was found to be inadequate। अगर इसके रीजन पे जाएं, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांटी एंड एनिमालिया वॉज इजी टू अंडरस्टैंड आसान था समझना, बट ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म did not fall into आइदर कैटेगरी। इस पॉइंट पे फोकस करिएगा। कह रहे द टू किंगडम क्लासिफिकेशन दैट हैड बीन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज फाउंड टू बी इनएडुकेट। इनएडुकेट मतलब इट इज नॉट क्वाइट सफिशियंट, नॉट बेटर एक्सप्लेन्ड। अंडरस्टैंड, एक बात बताना, मैं कह रहा हूं कोई चीज पर्याप्त तरीके से एक्सप्लेन नहीं है, इस बात का क्या मतलब है? कुछ जगह पे वो फेल हो जाता होगा, करेक्ट आंसर? कुछ जगह पे वो फेल हो जाता होगा, तो इसका रीजन देखेगा। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांटी एंड एनिमालिया वाज इजी टू अंडरस्टैंड, बड़ा आसान था समझना, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू द आइदर कैटेगरीज। इन दोनों कैटेगरीज में से किसी में भी बहुत ढेर सारे लोग नहीं आ सके। आपको लग रहा होगा कि assertion भी सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक चीज समझिएगा, यानी कि पहला जो तरीका हमारा था कि ये वाला आंसर ऐसा नहीं है कि इसमें डी आंसर हो सकता है, डी आंसर नहीं हो सकता क्यों? क्योंकि दोनों सेंटेंस सही है। सी आंसर नहीं हो सकता अगेन, क्योंकि दोनों सेंटेंस सही है, और बी आंसर हो सकता है और ए आंसर हो सकता है। मैंने कहा था अगर आप रीजन को बदल दें और assertion पे इफेक्ट पड़ जाए तो इसका मतलब हुआ कि हमारा सेंटेंस एक्सप्लेनेशन करेक्ट है। मैं कह रहा हूं कि ये वर्ड हटा दूं, डिड नॉट फॉल को हटा दूं, पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है भाई। डिड नॉट फॉल ही वर्ड तो है कि किसी भी लार्ज नंबर ऑफ जो ऑर्गेनिज्म थे वो फेल हो गए, कैटेगरी में आ ही नहीं रहे, इसी बात को तो एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं हमारी बात को? आइए क्वेश्चन नंबर टू, देखिएगा, आपका अपना पॉइंट है। आरएच टेकर साहब का क्लासिफिकेशन आपको याद होगा, उसी पे हमने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है। द मेन सवाल भी एग्जाम में आ चुका है, नीट में भी आ चुका है। द मेन क्राइटेरिया
for the classification system. Classification system used by Whittaker 1969, याद रखिएगा, used by Whittaker. और अब वो लोग जिनके आधार पे किया गया था include cell structure, thallus organization. Thallus organization, mode of nutrition, reproduction, और last याद होना चाहिए कौन सा, phylogenetic relationship. अगर आपने NCERT पढ़ी है तो अब तक आप कह देंगे सर दिस असर्शन इज, आइए इसके रीजन पे चलते हैं. लिखा हुआ है कि द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड, बात समझिएगा बेटा, इज फाउंड इन ओनली टू किंगडम. इन ओनली टू किंगडम, जो कि एक्सप्लेन किया था Whittaker ने. आप समझ रहे हैं हमारी बात, प्रपोज बाई Whittaker. कहने का सेंस सिर्फ इतना सा है, एक बात जरा समझना. आप एक बात देखिए, क्या assertion हमारा सही है या गलत? सही है, बिल्कुल सही. रीजन हमें गलत लग रहा है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड ओनली टू किंगडम. नहीं साहब, आप देखिए, आपके हमारे पास पांच किंगडम है, प्लांटी, एनिमालिया, फंजाई, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा. मोनेरा में हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इसमें है, इसमें है, इसमें है और इसमें, यानी चार किंगडम में आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. सिर्फ एक किंगडम है जहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. तो ये वाला सेंटेंस हमारा गलत हो गया, ये वाला सेंटेंस हमारा सही है. तो आंसर सी. क्वेश्चन नंबर 3. ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, समझिएगा, किंगडम प्रोटिस्टा कैन बी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स. सेंटेंस सही है या गलत? इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? व्हाई? चलिए इसका रीजन पढ़ते हैं. Whittaker प्लेस्ड यूनिसेलर एल्गी स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ इन किंगडम प्रोटिस्टा ऑन द बेसिस ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक नेचर. इसका आंसर बी होगा, ना तो ए होगा, ना सी या ना डी. प्रोटिस्टा के बारे में आपको डिटेल में पता है,
कोई वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती, किसी में भी कंसिडर किया जा सकता है। आपको ये सारे पॉइंट्स याद होंगे। और सारे किंगडम की अगर हम बात करें तो प्रोटिस्टा में उन्हें रखा गया है जो यूकेरियोट्स हैं। इट इज नॉट मीन दैट यू हैव सेल वॉल इनके पास है या नहीं है, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। इनके पास सेल वॉल हो भी सकती है और सेल वॉल, आंसर प्लीज, नहीं भी हो सकती है। याद रखिएगा, सेल वॉल मे बी नॉट, दोनों बातों का ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपने आपकी एनसीईआरटी में लिखा है कि प्रेजेंट इन सम, अगर आपको वो चार्ट याद है जो टेबल बनी हुई है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थोड़ा सा इस पॉइंट पे फोकस करिएगा, यहां से सवाल एग्जाम में आता है, हर बार पूछते हैं। जो भी इसका पिछला सवाल था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, उन पॉइंट पे और या इस पॉइंट पे, दोनों पे सवाल आता है। प्रोटिस्टा के बारे में बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि प्रोटिस्टा के बारे में डिटेल में दिया हुआ है, डायटम्स, डायनोफ्लाजलेट्स, यूग्लेनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, डिटेल में बहुत कुछ, प्रोटोजोन्स, तो सबके बारे में आपको पढ़ना होता है। उस पर सवाल कई बन सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब इस टॉपिक के बाद अगर आप एनसीईआरटी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो प्रोटिस्टा के बाद समझिएगा आपको बैक्टीरिया जैसी बात देखने को मिल सकती है, मोनेरा। अगला सवाल हमारा मोनेरा से होगा, क्वेश्चन नंबर 4। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड एसर्शन एंड रीजन। आई बहुत आसान सा सवाल है, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड इंटू, आंसर बोलिए आगे क्या लिखना जा रहा हूं मैं, ग्रुप्ड इंटू फोर कैटेगरी। कितनी कैटेगरी? फोर कैटेगरीज। किस आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर से। आपको आंसर पता है, इसका रीजन क्या होना चाहिए? अब इसका रीजन समझो, इसका रीजन अगर उन सेप की डिटेल दे दी जाए तो वही करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके रीजन पे आते हैं, क्या है कि जनरली बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड एज, याद करिएगा आपका अपना आंसर, स्फेरिकल यानी कोकाई, रॉड शेप यानी कि वेसेलस, बोलो, एक दिया हुआ स्टार्क्ड एंड बडिंग, ऐसा कोई शेप नहीं पड़ा हमने। लेकिन इधर तो इधर इतनी तेज आपकी कलम चलती है ना कि पार्थिनो जेनेसिस पार्थिनो कार्पी हो जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने जा रहा हूं? समझ रहे ना? तो आप समझ गए होंगे मेरा टारगेट क्या था कहने का, मैंने हिट कर लिया अपना पॉइंट। तो क्योंकि इतने में तो आप, अरे जनरली बैक्टीरिया क्लासिफ स्पाइरल रॉड, बस हो गया, आंसर मारो, खड़ा आगे बढ़ो। नहीं सर, धीरे चलिए, थोड़ा जो तेज चलता है उसे चोट ज्यादा लगती है, तो थोड़ा सा आराम से चलेंगे तो अच्छा रहेगा। आंसर क्या होगा इसका? सी, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा गलत, इसके आगे सही नहीं है, ये स्टॉक्ड एंड बडिंग इज नॉट द डिस्क्रिप। कोकाई, वेसेलस, वाइब्रियो एंड स्पाइरलम, तो तब आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन आपका है बैक्टीरिया आर एसर्शन, अगर देखें क्वेश्चन मतलब वही और रीजन। देखिए कहा गया था कि, सुनिएगा, मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि देखने में तो छोटे लगते हैं लेकिन घाव बड़े खतरनाक वाले हैं इनके, यानी कि बैक्टीरिया आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, यद्यपि देयर स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। याद रखिएगा, बैक्टीरिया आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। आज की दुनिया में बिहेवियर ही तो समझ में नहीं आता, वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, करेक्ट, यद्यपि देयर स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। संरचना बड़ी आसान है लेकिन है बड़े खतरनाक। बोलिए साहब, एक बात आपने और पढ़ी होगी इसी में, बैक्टीरिया इज ए ग्रुप, इज ए ग्रुप, और याद करिए एनसीईआरटी ने लिखा है शोज द मोस्ट, बोलो आंसर, मोस्ट एक्सटेंसिव, एनसीईआरटी की लाइन है साहब, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डायवर्सिटी। बेटा एक बात बताना, आपका ये वाला सेंटेंस क्या है, सही या गलत?
सही। और ये वाला सेंटेंस क्या, यानी आंसर ना डी हो सकता है और ना सी हो सकता है। अब बचा क्या, या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है। मेरे को पता है कि इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये वाली लाइन इसको एक्सप्लेन कर रही है, ऐसा कुछ नहीं कर रही है। ये दूसरी बात है और ये दूसरी बात है। मोस्ट एक्सटेंसिव डायवर्सिटी शो कर रहा, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। मोस्ट एक्सटेंसिव डायवर्सिटी शो करने का मतलब कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर नहीं है, याद रखिएगा। समझ रहे हैं, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एसर्शन, बैक्टीरिया आल्सो सर्व एज रिड्यूसर। क्या शो कर रहे हैं, रिड्यूसर। प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड। They are capable of degrading the dead organisms. Dead organisms and they bring about cyclic exchange of material between the biotic community. Between the biotic community and environment. अब बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। एक बात बताना, जरा ध्यान से समझिएगा। रिड्यूसर आप समझ रहे हैं ना, रिड्यूसर समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल। बैक्टीरिया क्या है, चीजों को रिड्यूस कर रहा है। और अगर बैक्टीरिया नहीं होगा, अगर आपके पास माइक्रोब्स नहीं होंगे, अगर आपके पास डिकम्पोजर नहीं होंगे, तो ये दो चीजें रिटर्न होकर मिल जाती है ना साहब, जो वापस आ जाती है ना, जो न्यूट्रिएंट। तो शायद आपको मैं एक बात और याद दिला दूं, थायोबैसिलस, कुछ याद आ रहा है? अभी अभी ताजा ताजा घाव है या मलहम ये मैं नहीं जानता, लेकिन ताजा ताजा ही है। क्या था ये आप जानिए, आपने जैसा किया होगा उस हिसाब से आपको अच्छा लगा होगा। थायोबैसिलस वाला भी नीट में पूछा गया, करेक्ट। तो बैक्टीरिया रिड्यूसर के तरीके से काम करता है। यस, रिड्यूसर के तरीके से मतलब क्या होगा, they are capable of degrading the dead organism. वो dead organism को degrade करता है, and they help bring about the cyclic exchange. और वातावरण में और community में आपस में exchange की बात करता है। आपने बहुत सी चीजें पढ़ी होंगी ecology में, वहां सवाल ecology का नहीं है, सवाल bacteria का है, याद रख लीजिए। तो ये decomposers होते हैं, nutrient recycling में मदद करते हैं, और आपने nitrogen cycle पढ़ा है, am I right? Question number 7. Assertion, आई assertion, आपने पढ़ा होगा। एक सिंपल सा पॉइंट, बहुत आसान है, बहुत अच्छे से आपको याद है कि आर्की बैक्टीरिया लिव इन एक्सट्रीमली एडवर्स कंडीशन। आप कौन कौन सी बात, सच एज हाई टेम्परेचर, हाई साल्ट कंसंट्रेशन, HSC, हाई टेम्परेचर एंड हाई साल्ट कंसंट्रेशन, समझ पा रहे? किसी भी माहौल में रह लेता है। इधर देखिए, आप सबको आंसर पता है, सबको इसका रीजन पता है, लेकिन पहले मैं लिख तो दूं क्यों, रीजन कौन सा है। आइए, क्यों, देयर सेल membrane,
their cell membrane contain branched lipid और याद रखिएगा which decreases क्या करता है decreases membrane fluidity फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपने पढ़ा होगा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को क्या करता है डिक्रीज कर देता है और स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है समझ रहे हैं आप तो भैया आप याद रख लीजिएगा कि आर्किया बैक्टीरिया क्यों हर माहौल में रह लेता है हर माहौल में कौन रह सकता है जिसके अंदर फ्लूइडिटी ना हो कम हो आर यू गेटिंग माई पॉइंट ये सवाल बहुत अच्छा है हार्स हैबिटेट हेलोफाइल्स थर्मोएसिडोफाइल्स वो सारे पॉइंट मेथनोजेंस मेथनोबैक्टीरियम मेथनोकॉकस रमनोकॉकस अलग अलग सवाल बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का भी सवाल वहां सीवेज ट्रीटमेंट पे जाके भी तो बहुत अलग अलग पॉइंट है इस सवाल पे काफी कुछ आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 में आइएगा जल्दी से सुनिएगा हमारी बात हेट्रोसिस्ट आपने सुना होगा करेक्ट ये थोड़ा नॉलेज बेस्ड सवाल है हेट्रोसिस्ट लैक पहले इसका असर्शन लिख लीजिए CO2 fixation इज नॉट परफॉर्म्ड बाय हेट्रोसिस्ट नाम सुना होगा नाइट्रोजन की ओर नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ा देता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा हेट्रोसिस्ट इन साइनोबैक्टीरिया या बीजीए करेक्ट एक ही बात है साइनोबैक्टीरिया या बीजीए याद रखिएगा CO2 फिक्सेशन नहीं होता है मैंने पढ़ा रखा है आपको यह बात याद कर लीजिएगा CO2 फिक्सेशन हेट्रोसिस्ट में नहीं होता बाकी सारी सेल्स में होता है क्यों नहीं होता बड़ी साधारण सी बात है कहिए सर हमें पता है कि चाहे तो PS1 या PS2 में से कुछ अब्सेंट होता होगा आइए देखते हैं क्या है फिर देखिएगा हेट्रोसिस्ट लैक्स ध्यान से समझना डॉक्टर साहब हेट्रोसिस्ट लैक्स PS2 एक्टिविटीज ये एम्स में अलग से भी सवाल पूछ सकता है नॉट ओनली असर्शन रीजन अलग से भी आपसे पूछा जा सकता है एंड CO2 फिक्सेशन इज डन बाय ओनली वेजिटेटिव मतलब इस पॉइंट पे मैं बात नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हेट्रोसिस्ट लैक्स PS2 एक्टिविटीज इसी में आप जोड़ सकते हैं इसलिए जो आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो कौन करता है सिर्फ ओनली तो याद रखिएगा एंड फोटोसिंथेसिस डन बाय ओनली कौन सी सेल हाजी वेजिटेटिव सेल इस पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं याद रख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हेट्रोसिस्ट आपको पता होगा कि ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ा देता है बैक्टीरिया में उस पर्टिकुलर सॉइल में बैक्टीरिया की मदद से सन बैक्टीरिया की मदद से तो इस पॉइंट पे भी आपको नजर गड़ाए रखनी है कि हमारा सवाल स्लिप ना करे म्यूस्टिलेजनस सीथ वाला भी पॉइंट याद रखेंगे ट्राइकोम वाला भी पॉइंट याद रखेंगे ढेर सारे पॉइंट आपके साथ डिस्कस होने चाहिए चलिए क्वेश्चन नंबर 9 BGA play a assertion BGA plays a significant role in the evolution of aerobic forms of life aerobic forms of life इसका रीजन क्या हो सकता है आइए देखते हैं BGA are the most ancient organism that can perform oxygenic photosynthesis
ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। असर्शन क्या है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ के बनने में। तो ये सेंटेंस तो हमारा सही है, ब्लू ग्रीन एल्गी आर द एंशियंट ऑर्गेनिज्म, ये बहुत पुराना ऑर्गेनिज्म है जिसमें ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होती है। तो डॉक्टर साहब एक बात याद रखिएगा, अगर ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होती है तभी ये एंशियंट हो भी सकता है, अदरवाइज कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो ये आपका एसर्शन है और दूसरा रीजन है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन एज वेल, याद रखें सवाल को। क्वेश्चन नंबर 10, माइकोप्लाज्मा आर हाईली प्लियोमॉर्फिक एंड इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन। और आप सब लोग जानते हैं बहुत आसानी से कि माइकोप्लाज्मा प्लियोमॉर्फिक क्यों है, बहुरूपी क्यों है और इनसेंसिटिव असंवेदनशील किसके प्रति, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के प्रति असंवेदनशील है। तो कभी कभी कुछ लोग कहते हैं लग रहा है कि आपके अंदर तो संवेदना ही नहीं है, कोई ना कोई चीज लैक करती होगी। नहीं, अब पेनिसिलिन जाके सेल वॉल को कट करता है, क्रॉस करता है, पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। अब माइकोप्लाज्मा कहता है मेरे पास तो सेल वॉल ही नहीं है, अब अगर मेरे पास सेल वॉल ही नहीं है तो फिर एंजॉय करते रहो। आंसर क्या होगा डॉक्टर साहब, कह दिए सर पहले रीजन तो लिख दीजिए। दे बोलो बाबू, दे कंप्लीटली लैक्स क्या, सेल वॉल, सेल वॉल ही नहीं है तो कहेगा परेशानी। आंसर क्या होगा, हाँ जी, अरे बोलो यार, आंसर इज ए। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। अभी मैंने एक बात कही आपसे क्या कि बाउंड्रीज ऑफ प्रोटिस्टा, बाउंड्रीज ऑफ प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, बैक किंगडम प्रोटिस्टा आर क्या नॉट वेल डिफाइंड। कहते तुम्हारी जो सीमा रेखा है वो बड़ी अनिश्चित है, कभी आप इधर रहते हैं कभी आप उधर रहते हैं, इसका क्या मतलब है, आप दोनों तरफ रहते हैं, समझ रहे ना हमारी बात भाई, किसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है। ऐसे आप हमें कहते हैं सर आपको कुछ पता नहीं रहता किस चैप्टर में चले जाते हैं किस तरह, या तो बड़ा नियंत्रित होकर काम कर रहे हैं। नहीं नाराज मत होइए, कभी कहीं नहीं जाने वाले, यही रहेंगे, इसी टॉपिक पर रहेंगे, भरोसा रखिए। तो इसका रीजन क्या होगा साहब, क्यों, क्योंकि ऐसा देख के लगता है, इट इज बिलीव दैट, आइए क्वेश्चन पे, इसके रीजन पे आइए, इट इज बिलीव दैट क्या लगता है, प्रोटिस्टा इवॉल्व्ड कहां से, इवॉल्व्ड फ्रॉम द किंगडम मोनेरा, मोनेरा एंड इज द एंसेस्टर ऑफ मल्टीसेलुलर यूकैरियोट। पहली बात तो आप कसम खा के लटक मत जाइएगा कि अब ये क्या लिख दिया, अरे महाराज ऐसा विश्वास किया जाता है, ऐसा होता है कि नहीं ये नहीं मालूम मेरे को। इधर देखिए, इधर कैसी बात कर रहे हैं आप हमारी बात समझ ही नहीं रहे। समझिएगा साहब, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा सबसे पहले मोनेरा सिंगल सेल प्रोकैरियोट, इसके बाद क्या बनेगा बताओ जरा,
कॉमन सेंस अगर कुदरत ने दे रखा है तो उसका इस्तेमाल करो, उसके बाद बनेगा प्रोटिस्टा, ऐसा लगता है, ऐसा विश्वास किया जाता है। और वो प्रोटिस्टा क्या होगा? सिंगल सेल्ड। बोल दे भैया, बोल दे, बोल जल्दी, बोल दे यूकेरियोट। और इसके बाद क्या बना होगा? ऐसा लगता है, क्या लगता है? मल्टी सेलुलर, बोलो ना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो भी यूकेरियोट वाले। तो इनका तो कुछ पता ही नहीं, कभी इधर कभी उधर। और एक्सप्लेनेशन एज वेल, तो आंसर इज, आंसर बोलो ए, टिक करिए, आगे बढ़िए। इसका आंसर बी कर दीजिए, क्योंकि जो आपके आपके हाथ में जो प्रैक्टिस सीट है उसका क्वेश्चन अलग है, और यहां पे असेसमेंट रीजन जो है वो चेंज हो गया है। आप समझ रहे हैं? अगर ये सवाल आएगा तो इसका, रुक जाइएगा अभी, अगर ये सवाल आएगा तो इसका आंसर आप बी कर दीजिएगा, ठीक है? अब एक काम हम और करते हैं, इसका करेक्ट रीजन भी आपको बता देते हैं, आप वो भी देख लीजिए। इसमें रुके रहिएगा, ऐसे ही कुछ नहीं करना है आप, इसका एक और रीजन हम बगल में लिख देते हैं, क्योंकि समझिएगा। इधर देखिए बेटा, ये जो प्लीज बोर्ड पे, ये जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये दूसरे सवाल का क्वेश्चन है, उसका भी आपको एसर्शन बता देंगे। इसका एसर्शन और इसका रीजन, पहले इस पर रीजन पे आते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका एक रीजन और हो सकता है क्या? देखिएगा, इसका रीजन लिखिएगा। कुछ लोग कहते हैं, एनसीईआरटी ने कहा है वन बायोलॉजिस्ट, इसके रीजन पे अगर आए, कुछ लोगों ने कहा है वो, एक बायोलॉजिस्ट कहता है कि ये क्या है, प्लांट, और दूसरे क्या कहते हैं, ये क्या है साहब, एनिमल। ये इसका एग्जैक्ट रीजन होगा, आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये इसका क्या होगा, एग्जैक्ट रीजन। ये जो आप अलग से इसको पॉइंट आउट कर सकते, अंडरस्टैंड, आपके जो बुकलेट हाथ में है उसके हिसाब से, वैसे इसका आंसर भी होना चाहिए। अगर इधर देखिए, अगर ये असर्शन और ये रीजन होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। एक काम और करते हैं, इट इज बिलीव दैट प्रोटिस्टा इवॉल्व फ्रॉम द मोनेरा। एक बात समझिएगा, इसका रीजन क्या हो सकता है, हम इसका रीजन भी आपको बता रहे हैं, सॉरी इसका असर्शन, सॉरी असर्शन क्या हो सकता है, इसका असर्शन जरा देखिएगा, क्या कहेंगे, इधर देखिए, प्रोटिस्टा क्या है आपका, प्रोटिस्टा कैन लिंक द किंगडम्स, बोलो साहब, प्रोटिस्टा कैन लिंक्स द किंगडम, ऐसा लगता है कि प्रोटिस्टा ने सारे किंगडम को क्या कर रखा है, लिंक कर रखा है। तो ये जो आपका सवाल है, इसका मैंने तीन तरीके से आपको बताया कि 11 नंबर क्वेश्चन में, समझिएगा बेटा, बहुत कुछ किया जा सकता है बट इतना समय कहां होता है। तो इस सवाल में अगर आएगा तो आंसर इज बी, ये रीजन असर्शन हो, ये रीजन होगा तो आंसर इज ए, ये रीजन हो और ये असर्शन हो तो आंसर इज ए, अंडरस्टैंड। तो इस पॉइंट को मार्क करके रखिए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, 12, 14 कौन सा बेटा, सीरियल नंबर बताइए आप, 11 एक क्वेश्चन यहां भी आपका ऐड हो गया, 12, अब आइए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, द सेल वॉल ऑफ डायटम्स, एसर्शन, द सेल वॉल ऑफ डायटम्स आर इनडिस्ट्रक्टेबल। इस पे सवाल आपसे नीट में आ चुका है 2016 दूसरे वाले एग्जाम में, वहां पे लिखा होता कि डिस्ट्रक्टेबल नहीं होता, याद लिख लीजिएगा, लिखा हुआ है इनडिस्ट्रक्टेबल। एक बात बताना साहब, आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें सिलिका का डिपोजिशन होता है। तो क्या लिखा है, द सेल वॉल ऑफ डायटम्स इज इनडिस्ट्रक्टेबल, द सेल वॉल ऑफ डायटम्स आर एम्बेडेड विद, यानी धंसा होता है
एम्बेडेड विद, किसके साथ? सिलिका। अभी सिलिका से रिलेटेड सवाल आपके नीट में पूछा गया केमिस्ट्री में, ड्यू टू हार्डनेस ऑफ द नेचर, हार्ड होता है इस वजह से। तो बेटा इसका आंसर बहुत आसान सा सवाल है, डायटम्स की सेलवॉल हार्ड होती है, डायटमेसिस अर्थ पढ़ा होगा आपने, याद आ रहा है, सिरप्स के फॉर्मेशन में, पॉलिशिंग में इस्तेमाल करते हैं, डायटम्स के बारे में काफी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 14, एसर्शन, डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ऑशियन, डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ऑशियन, प्रोड्यूसर को थोड़ा सा डबल इंडेड कॉमा के अंदर कर लीजिएगा, और इसका रीजन दिया हुआ है रिस्पॉन्सिबल फॉर, डायटम्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रोक्स 90% CO2 fixation, 90% CO2 fixation, या यू कहें 90% ऑर्गेनिक मैटर फॉर्मेशन। बात तो एक ही है, लाइन पकड़ के क्यों बैठे हैं साहब, एक ही बात है, आप ऑर्गेनिक मैटर फॉर्मेशन की बात कर सकते हैं। आंसर इस, ये देखिए इधर देखिए बोर्ड पे, ये 90% गलत है। सही है गलत है, बोलेगा सब सही है या गलत है, याद रख लीजिएगा बायोस्फीयर में 90% रोल इनका नहीं होता, ये गलत है, मोस्ट है, चीफ प्रोड्यूसर है लेकिन 90% नहीं है। आंसर इस सी। बेटा सारे कैलकुलेशन पिछले आपको याद हो गए होंगे, कैसे कैसे क्या क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 15, डायनोफ्लेजलेट सो एन आर्मर्ड अपेरेंस, कवच जैसा दिखता है इनके ऊपर, सो ए आर्मर्ड अपेरेंस, आर्मर्ड अपेरेंस, और इसका रीजन सबको पता है क्या होगा, इधर देख इधर, इसका रीजन आपको पता होगा, इनके पास स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स पाई जाती हैं, तो डायनोड यानी इसका सेलवॉल ऑफ डायनोफ्लेजलेट्स हैज स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स, आउटर सरफेस आई, आंसर बता सकते हैं इसका, डायनोफ्लेजलेट्स की सेलवॉल, डायनोफ्लेजलेट्स कवच जैसा दिखता है इसलिए क्योंकि उनके ऊपर स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स पाई जाती है, तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 16, गैनोलिक्स, गैनोलिक्स काजेज रेड टाइड्स, गैनोलिक्स का क्या काज करते हैं साहब, रेड टाइड, वजह मैं सीधे सीधे लिख देता हूं, ड्यू टू शॉर्ट में रैपिड, आंसर प्लीज, मल्टीप्लीकेशन, आपका सवाल आसान कर दिया क्योंकि आंसर ए दिया हुआ है, मैंने पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी है कि रेड टाइड आर कास्ड बिकॉज ऑफ द रैपिड मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेड डायनोफ्लेजलेट, तो रैपिड मल्टीप्लीकेशन ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेड डायनोफ्लेजलेट, तो आसान बेटा है, आपको अगर सब्जेक्ट की नॉलेज है तो आप चीजों को आसानी से कर लेंगे, रैपिड मल्टीप्लीकेशन, आंसर अगेन ए। ये सारे पॉइंट एनसीईआरटी के डिक्टो बिकॉज ड्यू टू लिख के आपके आपसे पूछा गया है, आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ए और बी पे मैं बार बार काम कर रहा हूं, आप देखोगे 90% सवाल हमारे ए और बी पे ही है, जिस जहां से आपको चीजें समझ में आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 17,
ये भी सवाल बहुत आसान है, assertion and reason. 17. Euglenoids. Euglenoids. Shows microscopic notation. Shows microscopic nutrition. और आप सबको पता है कि ये कभी कभी फोटोसिंथेसिस करता है और कभी कभी, हाँ जी, कभी कभी फोटोसिंथेटिक करता है और कभी कभी डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट जब करते हैं तो प्रेडेटर हैबिट शो करता है. फिलहाल हम अपना आंसर लिखेंगे. यद्यपि यूग्लेनोइड्स आर फोटोसिंथेटिक, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, यानी जब सनलाइट से दूर ले जाते हैं, उसकी अब्सेंस होती है, सनलाइट, दे प्रेडेट ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स. हमें लगता है एनसीईआरटी की लाइन आपको याद आ गई होगी. तो सब सेम लाइन एनसीईआरटी की, डिक्टो कॉपी. ये भी सही है, ये भी सही है, आंसर इज ए, कोई कंफ्यूजन नहीं. ऐसे सवाल एम्स में 90% एनसीईआरटी से पूछा जाएगा, याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 18. आइए क्वेश्चन नंबर 18. एसर्शन, रीजन. आइएगा, समझिएगा जरा. आपको सबको पता होगा स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइट्स. क्या बोलते हैं? स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइट्स. आइए स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइट्स. सही या गलत आंसर? सही या गलत? सही. स्लाइम मोल्ड्स आर, स्लाइम मोल्ड्स आर मूव अलोंग द डिकेइंग ट्विग. एनसीईआरटी की लाइन याद रख लीजिएगा. अलोंग द डिकेइंग ट्विग and leaves engulfing the organic material. बेटा इनको saprophyte सिर्फ इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये decaying twig की तरफ मूव करके उनको इंगल्फ कर लेते हैं, उनको भक्षित कर लेते हैं और उन्हें खा लेते हैं. इसलिए उन्हीं के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं, इसीलिए इनका आंसर ए हो जाएगा. बहुत आसान सा सवाल है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है. यहां पे ट्रू सेलुलोजिक सेल वॉल पाई जाती है, ये सवाल याद रख लीजिएगा. स्लाइम मोल्ड्स और एग्रीगेशन जब बनता है तो प्लाज्मोडियम कहते हैं, उसकी स्पेलिंग भी याद रख लीजिएगा. अंडरस्टैंड? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 और लास्ट टॉपिक इसका, इस चैप्टर का, फंजाई. एसर्शन और इसका रीजन. फंजाई प्रिफर टू ग्रो इन वार्म्ड एंड ह्यूमिड प्लेसेस. प्रिफर टू ग्रो इन वार्म्ड एंड ह्यूमिड प्लेसेस. अच्छा, दूसरा पढ़िएगा. फंजाई मे बी कैप्रोफिलस इपिजाइलिक, लोकेशन की बात कर रहा हूं, इपिजाइलिक जाइलोफिलस लकड़ी, किरेटिनोफिलस
लगभग सब जगह। आंसर क्या होगा? जी नहीं, अरे मैं इसका आपको एसेशन बताता हूं। अब तक तो भैया बहुत कुछ पढ़ लिया है। ये करे फंजाई प्रिफर टू ग्रो इन वॉर्म्ड एंड हैवेट प्लेसेस। अगर मैं कहूं कि मोस्टली फंगल इंफेक्शन में प्रेजेंट ऑन द एंग्वाइनल रीजन आर्मपिट, देन इट्स एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन। लेकिन दूसरी लाइन लिखी है कि फंजाई में भी कैप्रोफिलस, एपिजेलिक, जाइलोफिलस, क्रेटनफिलस। मैं इसका रीजन बता रहा हूं, एसेशन क्यों बता सकता है? फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन नेचर। बोले साहब फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन नेचर, ये इसका एसर्शन होगा। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 20, फंजाई आर जनरली फिलामेंटस इन नेचर, एसर्शन। Generally, filamentous in nature. Reason? With few exception, with few exception, fungal bodies consist of long and cylinder-like, long and cylindrical, cylinder-like hyphae. May be septate athwa aseptate. Few of IC may. एसेप्टेट, बाकी सब में सेप्टेट। फंजाई फिलामेंटस होते हैं, ये इसका एसर्शन है। और इसका रीजन क्या हो सकता है? कुछ एग्जांपल, जैसे कि ईस्ट को छोड़ दें, 2019 में सवाल आया इस पॉइंट से, अभी अभी पिछले नीट, जस्ट नीट वाले एग्जाम में, ईस्ट अकेला यो जो एक्सेप्शन है वो कौन सा है? ईस्ट, ईस्ट यूनिसेलुलर होता है, वहां पर ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस पॉइंट को याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, ये भी रिकॉल कर लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21। तो फंजाई कैसा होता है? फिलामेंटस, यस, जनरली एक्सेप्ट ईस्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 21, टेबल नंबर 21 नहीं, क्वेश्चन नंबर 21। फंजाई, इन फंजाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स, स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया। ठीक है, अभी तक तो अच्छा लग रहा है, क्यों साहब? कोनिडिया, ऊ स्पोर, नाराज हो गए होंगे आप, एस्को स्पोर, अब तो और नाराज हो गए होंगे। बोलिए साहब, अगर मैंने जू स्पोर लिख दिया तो आप कहेंगे ठीक है, सही बात कर रहे हो आप। बेसिडियो लिख दिया, नाराजगी चरम पे हो जाएगी, क्यों? एंड स्पोर, एंजियो स्पोर, कह दीजिए सर मेरे को, आप ना बताओ कि इसका रीजन क्या है, क्यों? क्योंकि आंसर हम क्या कर देंगे? डी। लेकिन नहीं, ऐसा हम कैसे कर सकते, ये नियम के खिलाफ, एग्जाम में ऐसा थोड़ा ना होगा। इसका रीजन क्या दे रहा हूं? ऑल फंगल बॉडीज, ऑल फंगल स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज। क्या ये सेंटेंस सही है? ये भी गलत है। सारे के सारे फंगल स्पोर्स नहीं कन्वर्ट होते फ्रूटिंग बॉडीज में। वैसे स्पोर, एस्को स्पोर कन्वर्ट हो सकता है, जो स्पोर नहीं कन्वर्ट हो रहा है फ्रूटिंग बॉडीज में। आंसर इज सिंपली, आंसर इज डी। आइएगा
छोटे छोटे सवाल दो तीन चार और बचे हैं. माइसीलियम ऑफ रस्ट एंड स्पस्ट, क्वेश्चन नंबर 22. माइसीलियम ऑफ रस्ट एंड स्मट इज ब्रांच एंड सेप्टेट. चाहे अस्टिलागो और चाहे पैक्सिनिया ग्रेमिनिस, दोनों फियोफाइसिस से बिलोंग नहीं करता, इसलिए हमारा यह स्टेटमेंट सही हो जाएगा. और इसके रीजन पे अगर हम बात करें, बट सब बेसिस नॉलेज जनरल पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं. इंफॉर्मेशन आपकी है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट माइसिलियम कैन नॉट प्रोड्यूस एसेक्सुअल स्पोर. बिल्कुल बेकार की बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि ड्यूटेरोमाइसिटिस में कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है और कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर है, और ड्यूटेरोमाइसिटिस को जो मेंबर्स होते हैं वो सेप्टेट होते हैं और ब्रांच होते हैं. तो मैं लगता नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ी परेशानी की गुंजाइश आपको दिख रही होगी. क्वेश्चन नंबर 23, तो आंसर इसका क्या होगा साहब? सी. इसका आंसर ऊपर वाले का डी. ऊपर वाले का आंसर मैं नहीं बता सकता फिलहाल, लेकिन यहां पर तो फिलहाल आंसर सी ही होगा. आइए, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, एसर्शन. और इसका रीजन हमें लगता है आप लोग कह सकते हैं, तुरंत बता देंगे, सर वायरस किसी और की बॉडी में जाके ही काम कर सकता है. करेक्ट. ये सब आसान आसान सवाल. वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. करेक्ट. रीजन, रीजन क्या होगा? दे आर पैरासिटिक ओनली इनसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट. ओनली इनसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट एंड इनर्ट आउटसाइड. जैसे आप सब लोग ऑब्लिगोस्ट ऑब्लिगेट हॉस्टलर्स हैं, तभी आपकी क्रिएटिविटी सबसे बेहतर निकल के आती है जब आप हॉस्टल में होते हैं. जब आप अपने हॉस्टल के अंदर होते हैं तो आप सबसे खतरनाक होते हैं, लेकिन जब आप अपने घर पे होते हैं तो आप किस नेचर में होते हैं? हाँ, इनर्ट होते हैं. कैसे होते हैं? इनर्ट होते. आंसर क्या हो जाएगा साहब? वायरस तभी काम करेगा जब किसी के बॉडी के अंदर, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 24, लाइकेंस आर डुअल ऑर्गेनिज्म, यानी कंपोजिट ऑर्गेनिज्म. डुअल ऑर्गेनिज्म. एक बात और लिखी है, इन लाइकेन रीजन में एल्गी प्रिपेयर फूड. किसके लिए भैया? ये दोनों साथ साथ रहते, ये लाइकेन बेचारा दो लोगों का संयोजन से बना है जिसमें एल्गी क्या बना रहा है? भोजन. एंड फंजाई क्या कर रहा है बदले में? एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर, रहने के लिए जगह. एंड एब्जॉर्ब्स मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड व्हाट. आंसर बता सकते? हमें पता चल गया ना लाइकेन में कि एल्गी भी है और फंजाई भी है, डुअल वाली बात पता चल गई. तो आंसर क्या हो जाएगा? ए. बहुत बड़ा एक सवाल इस पे और बनता है कि लाइकेन आर द पॉल्यूशन इंडिकेटर, ये एसेशन होगा. और इसका रीजन क्या, आप खुद से भी लिख सकते हैं. और इसका रीजन क्या होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में
ये ग्रो नहीं करते, तो ये भी एक प्रकार का एसम्प्शन रीजन हो सकता है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन शायद यही सवाल दिया हुआ है क्या? ओ क्वेश्चन नंबर 25 एसम्प्शन, आइए, लाइकेन आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, तो फिर मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं थी, लाइकेन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। और एक बात और, अगर कोई किसी को इंडिकेट कर दे रहा है मतलब उसको टॉलरेट नहीं कर सकता, क्या होगा? लाइकेन कैन नॉट टॉलरेट एयर पॉल्यूशन, और स्पेशली किसको नहीं कर सकता? बट इट इज ऑल अबाउट फॉर योर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एसर्शन रीजन। हमने पूरे चैप्टर को रिवाइज करने की कोशिश करी है, अपने तरफ से जो बेस्ट हो सकता है वो किया है। आप इसमें और भी सवाल खुद से बना सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, और मैं साफ साफ बता देता हूं, किसी स्टेटमेंट के बाद अगर सिंस लिखा है, ड्यू टू लिखा हुआ है, बिकॉज लिखा हुआ है, तो इन चीजों पर जरूर एक बार रुकें, सोचें और थिंक करें कि क्या हो सकता है।